सारे भाई ने भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम आप आए हैं गुलाची का हल्के का सबसे बड़ा गांव, मेरे ख्याल से हरियाणा का ही बड़ा गांव है सीवन। सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला जी, उसने कोई भाषण दिया था, उसने बोला था जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस बुद्धि का है। उसका कहना तो बहुत गलत है, इसका मतलब मैं बीजेपी को दे मैं राक्षस हूँ। भाजपा का कांग्रेस का कौन है? भाजपा ही भाजपा। अच्छा, जो आप ड्राइवर हैं जितने भी हैं, सरकार की में ड्राइवर आ खातर या गरीब आदमी खातर कुछ सोचा है? कुछ नहीं सोचा जी, कोई नहीं। अच्छा, अगर आप पूछ ले सरकार पूछ ले भाई ड्राइवर ने क्या चाहिए, आपकी क्या क्या मांग हो ड्राइवरों की? मारी तो मांग है जी, या गड्डी 15 साल ही करी है, कम से कम 20 साल करनी चाहिए, 15 साल में गड्डी का कुछ नहीं बिगड़ता जी। 2 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हमारी तरफ से अनिल विज होना चाहिए जी। आपका क्या कहना जी? अनिल विज बहुत बढ़िया है जी। अनिल विज, आपका क्या कहना? अच्छी है जी, अनिल विज बहुत बढ़िया आदमी है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखो, कांग्रेस में तो कोई दमदार इंसान है नहीं, बीजेपी ने बहुत कुछ कराया, अच्छी पार्टी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री टकाटक का ही है, 8,500 रुपये टकाटक, वो दे भी नहीं, दे भी नहीं। तो भाई 18,000 वोटा पे, वैसे तो 3 सरपंच है, लेकिन इनसे बात कर ले यहाँ पे, इनका के कुछ कहना है। राम राम जी। राम राम सारे। राम राम। और जी ठीक ठाक? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, क्या काम करे करो गाड़ी? हाँ, गाड़ी वाले हैं जी, सारे सारे टैक्सी स्टैंड वाले, टैक्सी स्टैंड है जी। तो फिर कितना की कमाई है इस टैक्सी के काम में, क्योंकि हर आदमी की तो रगड़ी होगी? तो बस कमाई क्या जी, तो इस महीने तो बोनी भी नहीं करी, सारे बिल्कुल बेले बैठे हैं जी। ये रिक्शा रेडी बहुत ज्यादा चल गई, इनकी वजह से काम जो थोड़ा बहुत मिलता था वो भी नहीं मिलता जी। आम आदमी भी मेरे ख्याल गाड़ी ले ले रहे तो शायद इसका भी फर्क पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी, सिलवाना का थोड़ा फर्क है, हर आदमी गड्डी भी ले आया, गड्डियाँ भी ज्यादा हो गई, फिर ये रिक्शा रेडी कम से कम 100-150 है जी हमारे गाँव के अंदर। कई बार नो भी देखो जो कर बहुत सारी गाड़ियां तो बिना सीएनजी के भी हैं, लोग सीएनजी में सस्ता पड़ा है तो सीएनजी वाली ले चलो, ये जो सीएनजी की नहीं उसमें समस्या? सीएनजी की समस्या भी है, कई जगह सीएनजी नहीं मिलती जी, और सीएनजी वाली की भी किस्त तो है ही है जी, 12-15 हज़ार किस्त है, करके खर्चे भी हैं, गरीब लोग सारे गड्डियां वाले हैं। कुछ एवरेज के हिसाब से दिहाड़ी कितने बन जाए रोज की? दिहाड़ी तो कम नहीं मिलता जी, दिहाड़ी तो जब बनेगी जब काम मिलेगा, काम ही महीने में 5 चक्कर मिलेंगे, काम 5 चक्कर में किस्त काटेंगे, एक घर के खर्चे चलावेंगे, तो गड्डी की मेंटेनेंस करेंगे, क्या करेंगे जी। देखो नौकरी या है, अड़े बैठे रहना है सारा दिन? बिल्कुल, या तो अभी बैठे ड्यूटी है जी हमारी, करनी पड़ेगी, काम मिलो ना मिलो बैठना जरूरी है, ड्यूटी देनी जरूरी है जी। देखो भाई, खैर मेरा सर्वे तो खैर अलग विषय का है, पॉलिटिकल सर्वे है, लेकिन मैं इनकी जब स्थिति देखूं, ये है या जो बड़े ट्रक ड्राइवर हैं सारी जिंदगी रोड पर ही निकल जावे है, और फिर भी नुकायदे हैं, ये थोड़े करड़े दिल के हैं, एक्सीडेंट करते हैं, हालांकि एक्सीडेंट छोटा व्हीकल करा है, बाइक होगी तो बाइक वाला कितिया को बाड़ेगा, समस्याएं घनी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है जी, समस्या होगी। मान लो जो इन्होंने भी इसकी वो कर दी ड्राइवर के लिए भी, वो 7 साल की सजा है, तो कैंसिल कर दिया? नहीं जी, नहीं, 1 जुलाई से लागू, 7 जुलाई पता नहीं, 1 जुलाई से फिर से लागू होगी। अरे कल तो खबर देखी है उसकी, कैंसिल कर रखी हो, कैंसिल। अच्छा, जो आप ड्राइवर हैं जितने भी हैं, सरकार की में ड्राइवर आ खातर या गरीब आदमी खातर कुछ सोचा है? कुछ नहीं सोचता जी, कोई नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचा सरकारी, कभी भी किसी भी बात के बारे में, मतलब इस बात के बारे में कोई भी मतलब सर्वे नहीं हुआ भी, ड्राइवर के बारे में, कमर्शियल वाहनों के बारे में, कोई सरकार ने कुछ नया वो चलाया हो ये, अब ये NCR में कर दिया जो मतलब 12 मॉडल 13 मॉडल वो तो चल ही नहीं देते, उनकी मुसीबत ही बढ़ाई गई, उनकी तो मुसीबत बढ़ गई ना। अच्छा, अगर आप पूछ ले सरकार पूछ ले भाई ड्राइवर ने क्या चाहिए, आपकी क्या क्या मांग हो ड्राइवरों की? मारी तो मांग है जी, या गड्डी 15 साल ही करी है, कम से कम 20 साल करनी चाहिए, 15 साल में गड्डी का कुछ नहीं बिगड़ता जी। 15 साल भी कर दो वही बहुत है, तो NCR में 15 साल जैसे 10 साल बाद NCR में नहीं जा सकती, 5 साल लोकल चला, लोकल में तो बात बनती नहीं, लोकल में गुजारा नहीं होता बंदे का, नहीं होता, ठीक बात है। तो हरियाणा छोटा सा है जी, पास में पंजाब है, वहाँ भी जाना पड़ेगा, ये पानी पत भी NCR में कर दिया जी, ये जींद NCR में, कई मतलब लवा NCR हो गया, तो जाने की जगह ही नहीं बची, कहाँ जाएंगे लोग, कहीं जाएंगे तभी जाके कुछ बनेगा जी। एरिया नहीं है जी, बिल्कुल लोकल मजदूर है सब, टोटल ही मजदूर है, क्योंकि धंधा तो है नहीं कुछ भी, और भी अगर फैक्ट्री फैक्ट्रियाँ हो उसमें तो चल काम चल जाए, ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, 2 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए?
कुछ नहीं कह सकते जी, कंफ्यूज हो रहे हैं कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। हमारे तो साल बर्थ का नहीं देखा। हाँ जी, पाँच साल ही पिछड़ी पड़ी है जी, सरकारी का नहीं अभी पता है क्या कुछ चल रहा है सरकार में, क्या कुछ ना चल रहा है। सरकार जब आओगी बदली जाओगी। आप क्या चाहोगे कौन होना चाहिए? हमारी अपनी राय है, आप अपनी राय। हमारी तरफ से अनिल विज होना चाहिए जी। मतलब सरकार भाजपा की होनी चाहिए? सरकार भाजपा, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस नहीं। आपका क्या कहना जी? अनिल विज बहुत बढ़िया है जी। अनिल विज, आपका क्या कहना? अच्छी है जी, अनिल विज बहुत बढ़िया आदमी है। सारे ही अनिल विज के समर्थक हो क्या? बहुत बढ़िया जी, सारे बीजेपी के समर्थक हो। मेन 10 साल बीजेपी को हो गए जी, 10 साल के अंदर ये मारा रोड अब इलेक्शनों के टाइम बनया नहीं, हमने और 8 साल तक कर लिए इस रोड के ऊपर। तो मारा तो बीजेपी सरकार ने ये 30 किलोमीटर का टुकड़ा रोड भी नहीं बनाया, और तो जोर दे रही है सरकार पूरे भारत के अंदर जोर दे रही है रोडों पे, पर मारा ये 30 किलोमीटर का टुकड़ा पूरा रवा कर रखे हम तो 10 साल। ये अब ये मतलब सरकार इलेक्शन होया, इलेक्शनों के टाइम ये हल्का फुल्का रोड बनया नहीं, मारे को तो रोड की कोई सुविधा नहीं मिली जो मारे खुले हल्के को। फोर लाइन पास हो रहा है जी, है? ये रोड 4 लाइन पास हो रहा है। पास पहले अलग बात है, जब ना बने तो फायदा क्या है? हाँ, अभी ये मतलब फिलहाल ये बना के दे दिया है, इसका भी आगे काम चलेगा। मंजूर चको बन रहा है, ये कागजों में तो बन रहा है अभी तो इसके। अच्छा, फिर कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री तो कोई आ जाओ जी, काम करो। भाजपा का, कांग्रेस का, या कोई और पार्टी? कोई आ जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं, काम करने वाला कोई हो, कांग्रेस का हो काम करने वाला, चाहे कौन होना चाहिए जी। लेन भी जी, कोई के रहा था? नील भी जी। सैनी बढ़िया है। हां जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे और जी ठीक ठाक। अच्छा भाई, राम राम। और ठीक ठाक? ठीक है भाई। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री कोई बने जाओ, काम नौकरी माना करनी है, मुख्यमंत्री क्या करेगा? फिर भी वोट तो देना ही है। वैसे मोदी बनना चाहिए, ताई ना पूछ रहे, ताई कहो मोदी बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए? कोई बन जाए जी। भाजपा का, कांग्रेस का? कौन होना चाहिए? भाजपा ही। भाजपा, हाँ। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, 2 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखो, कांग्रेस में तो कोई दमदार इंसान है नहीं। हुड्डा साहब दमदार नहीं है? रणदीप सुरजेवाला नहीं, ऊपर जाएंगे हम जी, ऊपर नहीं है। अच्छा, ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक बाप है वो मजबूत है तो परिवार अपने आप मजबूत है, तो उसमें दम नहीं है पार्टी में। कांग्रेस में दम नहीं है? नहीं है जी। बीजेपी ने बहुत कुछ कराया, अच्छी पार्टी है बीजेपी। हरियाणा में मुख्यमंत्री टकाटक का ही है, 85 रुपये टकाटक टकाटक। हाँ, वो दे भी नहीं। हाँ, चलो तो सरकार आंधी तो देता हो, पत्थर मारने 5 रुपये बन तो रहा देना ही पे। अच्छा, आप बड़े बड़े दे। हाँ, देओ वो डिबादा कर रखा अगला ना। सही बात है, देओ उन्हें एक बार। आपका क्या कहना जी? कौन मुख्यमंत्री? जनाब सृष्टि करवा देओ मर दो भाई सही बस नील जी, भाई नील मज दो चार भाई यहाँ पे भी खड़े हैं, तो बतला ना भाई। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। और ठीक ठाक? ठीक है जी। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? बीजेपी। कौन मुख्यमंत्री? बीजेपी। बीजेपी 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 बीजेपी। मैं बीजेपी वाले के बीच में खड़ा हो गया क्या? नहीं जी, ऐसा ही है। सही है, है बीजेपी की झूल है, सब बीजेपी की। लेकिन विधायक तो आपका जेजेपी का है, ईश्वर से गलती से बन गया, लेखे से बना दिया था। टिकट काम का बंदा नहीं दी थी जी, टिकट सही बंदा का हाथ में नहीं गई थी बीजेपी की। अगर टिकट बाजीगर की बजाय किसी और बंदी ना, पक्की सरकार बीजेपी की थी, पक्की सीट थी। तो कौन होना चाहिए विधायक? कौन होना चाहिए आपके? कोई भी हो भाई, ना बाजीगर। एक बार नाम तो बता दो भाई, एक आधा नाम भाई, ये सर्वे में भी देखेंगे कौन होना चाहिए। तो कोई ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी बार सीवन से है कैंडिडेट हमारे यहाँ, राजपाल तंवर है जी। आपकी बार अगर उसको टिकट मिल जाती है तो उसको पूरा करेंगे। राजपाल तंवर। राजपाल तंवर। हाँ जी, आपकी बार अगर उसको टिकट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बात आपकी रहेगी रहेगी रहेगी। हाँ जी, सुरजेवाला है, रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला जी, उसने कोई भाषण दिया था, उसने बोला था जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस बुद्धि का है। उसका कहना तो बहुत गलत है, इसका मतलब मैं बीजेपी को दे मैं राक्षस हूँ?
तुम्हारे ऊपर ऐसी तो बात नहीं कहनी चाहिए उन्हें, ये तो बहुत गंदे और छोटे लवज जान पढ़ वाले हैं, गलत है जी, ऐसी नहीं बात बोलनी चाहिए, उसकी कोई वोट नहीं है इधर। भाई राम राम। और ठीक ठाक मेरे भाई, क्या काम करा करा आप? यहाँ वीडियो ऑफिस में है, है? वीडियो ऑफिस में है। वीडियो ऑफिस में है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? नायब सैनी। नायब सैनी। हाँ, नायब सैनी जितने काम किए आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किए, ऑन द स्पॉट पहले आचार। पाँच चार महीने तो है, पाँच चार महीने पहले आचार संहिता थी, उस टाइम इनका कोई भी वो नहीं था। आचार संहिता हटते ही इन्होंने इतने पक्ष में काम किया, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, 15% से 27% आरक्षण दिया, अब ऑनलाइन जो पेंशन है ऑन द स्पॉट काफी डिपार्टमेंट को डिवाइड किया ताकि एकदम से पेंशन ऑनलाइन हो, सभी का फायदा हो, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं है। अभी इन्होंने जो पीछे ग्रुप सी के रिजल्ट है उनको दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करने के बाद दोबारा से एग्जाम लिया अब, ठीक है, मतलब इनके काम में कोई कमी नहीं है, मैं नायब सैनी के साथ हूँ, सपोर्ट है उनकी फुल। तो और कोई बात, कोई सलाह मशवरा देना चाहते हो तो जी? बस जी, चाय पानी, धन्यवाद आपका। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी? सीवन गाँव, ये हरियाणा का बड़ा गाँव में से 18,000 वोट है भाई यहाँ पे, और विधायक यहाँ पे जेजेपी के हैं ईश्वर सिंह जी, और अब क्योंकि इलेक्शन लोकसभा का था, लोकसभा का इलेक्शन था और उसमें भाजपा 5 सीट हार गई, लेकिन यहाँ के सर्वे के हिसाब से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बड़ी बात है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।